जी गुरु जी को अलग आदेश मां भगवती को अलग आदेश राजी वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश भैरव बाबा बहुत सौम्य देवता है भैरव बाबा शीघ्र फल देने वाले देवता है भैरव बाबा एक ऐसे देवता है कि जिनके शरण में आप अगर आ गए तो सारे देवी देवताओं का आपको लाभ भी मिलेगा और जो नीच ग्रह हैं नीच देवता हैं जो नीच शक्तियां हैं उनका डर भी आपको नहीं रहेगा तो हमारे एक शिष्य आए थे नेपाल से उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भैरव काफ़ी उग्र रूप में होते हैं और आपके यहाँ जो भैरव है जैसे रांची वाले भैरव बाबा है वो काफ़ी सौम्य स्वरूप में है तो ये कालांतर में क्या हुआ कि जो भैरव है उनका स्वरूप शनि देव के साथ लोगों ने मिलाना शुरू कर दिया क्योंकि काली पुत्र है तो काली का भी मिस इंटरप्रिटेशन होकर के काली को उग्र रूपा माना गया जबकि काली सौम्य रूपा है काली अपने भैरव पर आरूढ़ है और क्योंकि गलती कर दिया इसलिए जीव निकाली हुई है और उनका जो रूप है वो दुल्हन का है और काली पुत्र भैरव जो है भैरव जी बहुत सौम्य देवता है उन्होंने जब बटुक भैरव के रूप में ब्रह्मा जी का पांचवा सर काटा उसके बाद जीवन भर वो एक साधक रहे ठीक है और जन कल्याण के लिए फिर बनारस में बैठ गए तो ऐसे भैरव जी की साधना करने से जीवन में हर तरह के फल की प्राप्ति होती है भैरव जी की साधना में दो तरह के मंत्र होते हैं एक तो उग्र मंत्र होते हैं जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं वो उग्र मंत्र होता है मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण के लिए वो उग्र मंत्र होता है जब कोई नेगेटिव शक्तियाँ आपको परेशान कर रही हों तो भैरव जी का जो चार हाथ है उसमें एक में उन्होंने ब्रह्मा जी का सर पकड़ रखा है दूसरे में खप्पर पकड़ रखा है एक हाथ में उनका दंड होता है ठीक है तो वो जो दंड होता है वो दंड होता है कोई अगर गलत कर रहा है तो उसको सजा देने के लिए ठीक है और भैरव जी के एक हाथ में डमरू होता है डमरू का क्या अभिप्राय है ब्रह्मा जी का जो सर उन्होंने रखा है वो तो उसका मतलब होता है कि आप जान लो कि ये संहार करता है जो दुष्ट है ठीक है जो मदिरा पान के लिए इन्होंने एक खप्पर ले रखा है और एक जो हाथ में डमरू है ये आनंद का प्रतीक है कि भैरव जो है वो आनंद के देवता है ठीक है और जीवन में व्यक्ति कमाता क्यों है कमाता है दो कारण से एक जीवन में खुशी और दूसरा शांति के लिए शांति है तो जीवन में खुशी है खुशी है तो जीवन में शांति है ठीक है और दोनों के लिए भोजन वस्त्र मकान और प्रतिष्ठा ये चीजें चाहिए तो ये सारी चीजें भैरव जो है अपने चार हाथों में सम्मिलित करके रखा है दुष्टों का दमन होगा दुष्टों को दंड मिलेगा भोजन मिलेगा है ना और जीवन में प्रेम रहेगा आनंद रहेगा तो वैसे भैरव जी का एक स्वरूप सोच करके और हम लोग गृहस्थ में भैरव जी को सिद्ध कर सकते हैं एक मंत्र से और उस मंत्र की साधना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं ठीक है तो क्या है भैरव जी का ये मंत्र इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको घर में भैरव जी के नाम का एक चौमुखी दीपक स्थापित करना होगा जो रोज रोज तिल के तेल से जलेगा इसमें बाकी किसी तरीके का तेल ना मिला इसमें तिल का तेल से आप इसको जलाएंगे जो चौमुखी दिया आप स्थापित करेंगे भैरव जी के नाम पर उसमें जो दीपक का लॉ है वो चार दिशा दिखाएगा मतलब एक दिशा नॉर्थ एक साउथ एक ईस्ट और एक वेस्ट ठीक है वो बीच में नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल दिशा कॉम्पास के हिसाब से आपको सेट करना है उस दीपक को रखने से पहले उसके नीचे काला तिल रख दे ठीक है और उसके बाद दीपक स्थापित करते हुए बोले हे hey भैरव देवता मैं आपकी यहाँ स्थापना करता हूं ठीक शुरुआत में इस मंत्र का हम 11 दिन तक जाप करेंगे ठीक है फिर दूसरे दिन फिर से शुरू करेंगे जाप मतलब फिर से दीपक नया रखेंगे और फिर 19 दिन तक इस मंत्र का जाप करेंगे तो टोटल 30 दिन इस मंत्र का हम लोग जाप करेंगे रेगुलर उसके बाद आपके समय अनुसार आप दिन में कभी भी इसका जाप कर सकते एक विषय है कि इस मंत्र का जाप जो है रात्रि में ना करके हम लोग सुबह में करेंगे ठीक है सुबह में स्नान ध्यान किया उसके बाद इसका जाप शुरू कर देंगे और जो पहले दिन का विधान है वो फिर बारहवें दिन हम लोग रिपीट करके इसको तीस दिन कंप्लीट करेंगे हर रोज आपको साढ़े तीन हजार जाप करना है ठीक है तो महीने भर में एक लाख जाप आपका पूर्ण हो जाएगा रोज जब जाप करेंगे तो गूगल का धूप देंगे ठीक है और साथ में जो भैरव देवता को पसंदीदा सामान है जैसे उरद दाल तला व सरसों में उस पर दही डाल के दही गुड़ गुड़ वाला खीर है ना इस तरह के, की जो वस्तु है ये हम उनको नवेद में चढ़ाएंगे और पुष्प लाल अगर हो तो सर्वोत्तम होता है है ये सब विधान करके पंचोपकार पूजा करके उसके बाद जाप शुरू कर देना है मंत्र सुनिए मंत्र थोड़ा लंबा है एक बार बताऊंगा लेकिन तोड़ तोड़ के बताऊंगा ताकि आप लोग लिख सके ओम, नमो काल गौरा क्षेत्रपाल बामम हाथम का जीवन बाम हाथम कांति जीवन हाथ कृपाल सूरज थंब प्रातः सायम रथ भंजलतो भंजलतो, विसार रार थंब, कुशी चाल पाषाण चाल शिला चाल हो चाली ना चाले तो पृथ्वी मारे को पाप चालिए चोखा मंत्र ऐसा कुनी अब ना रह सही ठीक है पहाड़ी भाषा का मंत्र है ऐसे जैसे मैंने पहले भी बताया कि सावर मंत्र में सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन कुछ मंत्र है जिनको आपके हिसाब से चलने के लिए उसको सिद्ध करना पड़ता है मतलब उसको परफेक्ट करना पड़ता है उसी में से ये एक मंत्र है ठीक है तो इसको अगर आप लोग सिद्ध कर लेते हैं तो एक लाख जाप के बाद भैरव जी आपके तरफ मतलब उनका ध्यान आ जाता है आपकी कही हुई बात आप खुद के लिए मतलब किसी और के लिए नहीं आपके खुद के लिए आप जो भी उनसे मांगेंगे वो भैरव जी पूर्ति करते हैं इसमें इस बस दो तीन चीज ध्यान रखने के लायक है कि अगर आपने एक बार स्थापना किया तो आपको आजीवन भैरव जी की साधना करनी होगी पूजा करनी होगी मतलब वो दीपक निरंतर जल जलते रहना चाहिए सिर्फ अगर घर में सूतक है तब वो नहीं जलेगा नहीं तो पूरे समय इस दीपक को जलना चाहिए सुबह की पूजा में शाम की पूजा में नवेद इनको रोज लगना चाहिए हर दिन का अलग अलग नवेद जैसे भैरव भा, जी का होता है कुछ मीठा दाल का तला हुआ सामग्री ये सब देना चाहिए साथ में आ, जो गूगल का जो धूप है वो भी देना अनिवार्य होता है भैरव जी को तो ये सारी व्यवस्थाएं आप घर में रखें और एक बार जब आप भैरव जी की सेवा शुरू कर देंगे तो उसके बाद जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा ना ये सोचना होगा कि आप आगे क्या करेंगे जीवन हमारा सही चलेगा तो ये एक साधना है जो भैरव जी की साधना करने के लिए इच्छुक हैं जो घर में साधना करना चाहते हैं वो ये इस एक मंत्र से भैरव जी की साधना करे तो जीवन में सब कुछ सही चलने लगेगा आज के लिए इतना ही जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव में पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं इसमें जो साधना का शुरुआती आयाम है वो हम आपको बताते हैं जैसे आसन बंधन ठीक है डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिए और उसके बाद मुझे रूत्रना डेट सी एम फोन पर सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं बहुत बौद्धिक जानकारी के लिए तंत्र और आध्यात्म के बारे में डब्ल्यू 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 डॉट से डॉट कॉम पर लॉग इन करें आज के लिए इतना ही आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश